हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज हम बात करेंगे यूनाइटेड स्प्राइट्स स्टॉक के बारे में और जानेंगे क्या लेवल खरीदारी का बन सकता है। तो सबसे पहले हम बात करें मंथली चार्ट पर। स्टॉक में एक ब्रेकआउट हुआ था जो कि लेवल है 1022 के आसपास, और वो अभी भी ब्रेकआउट ही है। स्टॉक उसी के ऊपर ट्रेड कर रहा है। दो, पहली बात, स्टॉक ने W पैटर्न के साथ ब्रेकआउट किया। अगर हम टारगेट की बात करेंगे तो यहाँ से 939 और ये 741, यानी कि लगभग 200 रुपये का मूवमेंट हमें मिलना चाहिए, यानी कि हमें 1140 रुपये तक के टारगेट स्टॉक में आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे, फिलहाल के अभी जो फिलहाल की जो स्थिति है उसके हिसाब से। ठीक है, तो हम 1150 मार्क कर लेते हैं। वीकली चार्ट, वीकली चार्ट क्या कहेगा? वीकली चार्ट ये कहेगा कि मैं सपोर्ट को होल्ड कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मैं सपोर्ट को होल्ड कर रहा हूँ, नीचे नहीं आ रहा हूँ। सही है, यहाँ पे स्टॉक नीचे नहीं आ रहा है, ये सपोर्ट एडजस्ट हो जाती है 986 रुपए के आसपास। ठीक है, और यहाँ से एक इंफॉर्मेशन लाइन डालूंगा मैं, जो ये वाला जो गैप है यहाँ से यहाँ तक का लगभग बनता है 34% का, और ये मैं ऊपर शिफ्ट कर दूंगा। 34% जो हमें नजर आएगा वो कहाँ पे है देखना होगा। 34% बैठता है समथिंग 1497 या 1500 रुपए के आसपास का। ठीक है, तो ये अब हमारा टारगेट निश्चित है। ठीक है, निश्चित है वीकली चार्ट पर। डेली चार्ट पर फाइनली डिस्कस करेंगे क्या स्थिति बन सकती है, खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि स्टॉक में एंट्री का मौका बन सकता है, एंट्री हो सकती है। अपने सपोर्ट पर स्टॉक है, ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर है और बिल्कुल वहीं पे है जहां पे होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इसमें खरीदारी करेंगे तो खरीदारी करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ध्यान रखेंगे एंट्री आप कर सकते हैं स्टॉक में लगभग 1055 रुपए के आसपास की। ठीक, 1055 के आसपास हमारी एंट्री हो सकती है। और अगर हम बात करेंगे स्टॉप लॉस की तो हमारा 1030 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस हो सकता है। तो ये स्थिति बन सकती है स्टॉक में। और फिर बात करें टारगेट की, तो टारगेट आपका 1150 फर्स्ट टारगेट है और उसके बाद 1500 रुपए तक स्टॉक जा सकता है। ठीक है, तो आप स्टॉक पर नजर बना करके रख सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, राम राम।